हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल डी के आर ब्लॉग्स। तो अभी हम हैं इस चर्च में, इसका नाम मैं फिर से भूल गया, नीचे गेट पर लिखा हुआ है नाम, लेकिन अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो हमने रूम लिया है यहाँ डलहौजी में, और यहाँ पर हम थोड़ी बहुत मार्केट वगैरह घूमेंगे और इसके बाद हम जाएंगे खजियार। तो आप लोग वीडियो देखिए, इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। और अभी आपको, अभी ये नीचे देखिए, ये है सुभाष चौक, और यहाँ पर जो ये चर्च है इसमें हम थोड़ा देर बहुत देख लेते हैं क्या क्या है, और उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। कहाँ जाएंगे हम फिर? फिर हम जाएंगे खजियार। क्यों पूछ रही है? तो चलिए बता। तो काफ़ी फेमस चर्च है ये यहाँ पर डलहौजी में, टूरिस्ट का ये मेन प्लेस रहता है। लेकिन हम सुबह सुबह आए हैं, अभी 8:30 बजे हुए हैं सुबह के, तो चलो देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या है। तो भाई जी, हमारी सेलिब्रिटी चल रही है आगे, और हम दो बेचारे गरीब आदमी पीछे चले हुए हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा है व्यू वगैरह यहाँ से। और ये नीचे रहा सुभाष चौक, और ये बड़े बड़े पाइन ट्रीज। इस तरह का रूम था हमारा रात को, और कुछ ये व्यू है बाहर का। व्यू तो कुछ खास नहीं है क्योंकि होटल्स वगैरह बहुत है सामने, और ये बेड वगैरह, और यहाँ पर है वॉशरूम। तो बस अब यहाँ हम रूम से चेकआउट करने वाले हैं। ये हमने बैग वगैरह अपने पैक कर दिए हैं, और गाड़ी में डालेंगे सामान फटाफट और फिर निकल जाएंगे। तो चले या। तो गाइज, निकल चुके हैं होटल से, और बहुत ही ज़्यादा खज्जल सीन है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक और रोड का कोई पता नहीं चल रहा है कौन सा रोड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बहुत सारे रोड हैं। एक तो पहली बार आए हैं, हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाए। चलो पता चल जाएगा अगली बार के लिए सब कुछ। हाँ। तो बस अब बाजार से निकलते हैं, फिर आपसे बात करेंगे, बढ़िया सा व्यू आएगा। तो तो गाइज, ये देखिए हमारी सेना चल पड़ी है ऊपर की तरफ, और ये रही हमारी गाड़ी ऑरेंज वाली। बाकी यहाँ इस पूरे रास्ते में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे पैदल, वैसे गेट तो उस तरफ है, लेकिन गाड़ी हमने यहाँ लगाई, तो अब यहाँ से शॉर्टकट चढ़ते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइज, ये देखिए, ये लगा है बोर्ड, यहाँ से है 1300 मीटर पोहलानी माता का मंदिर है। यो! तो भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में, सामने दिख रहा है मंदिर रेड कलर में, और क्या अल्टीमेट व्यू है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल।
गाइज ये देखिए पीछे, ये रहा माता का मंदिर, बहुत ही प्यारा। तो ये मंदिर जो है वो छत वगैरह तो नहीं है, लेकिन छोटा सा मंदिर है, शिकारी माता की तरह है थोड़ा सा, ये देखिए। लेकिन बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल टॉप पर है, चारों तरफ का व्यू आप यहां से देख सकते हैं। और यहां पर देखिए मणि महेश के दर्शन भी हम कर सकते हैं यहां से, इस टेलीफोटो लेंस से। लेकिन अभी जो है सामने बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, और ये देखिए यहां लिखा हुआ है मणि महेश कैलाश दर्शन 20 रुपीज़ में। तो अमेजिंग जगह है, लेकिन दर्शन कर लेते हम भी आज कैलाश पर्वत के, लेकिन मणि महेश के, लेकिन क्या करें अब। और यहाँ पर हैं भोले शंकर जी, यहाँ पर भी धूप जलाते हैं कुकु धूप जला रही है, मैं भी जलाता हूँ। सो गाइस अब हम आ चुके हैं मंदिर से वापस, अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। तो ठंड बहुत लग रही है, पर कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ जो चारों साइड है बिल्कुल साफ सुथरी है, ना कूड़ा ना कचरा, बहुत अच्छा है। लगता है जो भी लोग आते हैं हमारी तरह समझदार है, ना कूड़ा कचरा मैंने कहा हमारी तरह, मेरी तरह नहीं, मतलब मैं भी हूँ हमारी तरह, हम दोनों की तरह। मतलब तो साफ सुथरी है, बहुत अच्छी, साफ बहुत अच्छी है। तो मंदिर दिख रहा है, अब दिख रहा है, बर्फ भी है कहीं कहीं। हाँ कहीं कहीं बर्फ भी है, जहाँ जहाँ धूप में लगती है वहाँ बर्फ है, जहाँ लगती है वहाँ तो पिघल गई है। तो गाइज अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और गाइज और कमेंट करके बताना हमारा कुकु किस तरह से करता है व्लॉगिंग से। अभी फर्स्ट बार है गाइज, तो पता नहीं कैसे बोला क्या बोला, ठीक है जो भी है। तो गाइज अभी धूप आई है थोड़ी थोड़ी, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज हवा है यहाँ पर, ठंड लगी थी, अब थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है। वो देखिए ऊपर सूरज देवता जी थोड़ा सा प्रकट हुए हैं। तो मौसम तो खराब ही बताया है, 2-3 दिन पता नहीं हमारा पूरा प्लान मजा पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर बर्फ वगैरह पड़ेगी तो खजियार में फोटोग्राफी का भी मजा आएगा, तो देखते हैं जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाकी चलिए अब चलते हैं नीचे सफर की ओर, चले तो है सफर की ओर मतलब आगे गाड़ी के पास, गाड़ी के पास चलते हैं और फिर आगे वाले सफर की ओर देखते हैं, काला टॉप या कहीं जाएंगे फिर उसके बाद खजियार। तो लगता है खजियार की तो नेक्स्ट वीडियो ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो चलो फिसल दी लग रही, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये